दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे होम्योपैथी के बारे में। दोस्तों बड़े सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि होम्योपैथिक जो दवाएं होती है उसको कैसे लेना होता है, तो आज दोस्तों हम इसी बारे में बातचीत करेंगे। आज के बाद दोस्तों मेरी कोशिश ये होगी कि आपको इस बारे में जितने भी सवाल होते हैं कि ये दवा है तो किसको कितनी बार लेना है, किस पोटेंसी में लेना है, तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे आज दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों पहले तो हम ये जानें कि होम्योपैथिक दवाएं कितने फॉर्म में आती हैं। दोस्तों होम्योपैथिक की जो दवाएं होती हैं वो बेसिकली तीन फॉर्म में आती हैं। पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पावर में, जिसको 30, 200, 6, 9 या 1 mm या उसके ऊपर, उसके आगे सी लिखा होता है सेंटेसिमल स्केल में, ये होता है दोस्तों। दूसरी जो होती हैं वो दवाएं होती हैं जिसमें बायोकेमिक फॉर्म होती है, जिसे 3x, 6x, 9x, 12x इस तरह से। और इसके अलावा जो तीसरी फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है मदर टिंचर फॉर्म में, जिसको थीटा या कुछ लोग उसको क्यू के रूप में बोलते हैं, मदर टिंचर फॉर्म में लिखा होता है उसमें। तो दोस्तों ये तीन फॉर्म में आती है, बेसिकली यही तीन दवाएँ हैं जो कि होम्योपैथिक हैं। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं सादी की सारी या तो मिक्स फॉर्म में आती हैं, कई सारी दवाओं को मिला करके बनाई जाती हैं, तो वो प्योर होम्योपैथी नहीं है दोस्तों। होम्योपैथी यही है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अब इन दवाओं को कैसे लेना चाहिए, हम बात करते हैं पहले कि पोटेंसी में, जिसे 30 है, 200 है, 1 mm है, 10 mm है, इन दवाओं को कैसे लेना है दोस्तों। अब इसको लेने का जो सबसे अच्छा नियम ये होता है कि आपने जब भी इन दवाओं को लेना है तो आपने पहले ये देखना है कि रोग कौन सा है, एक्यूट कंडीशन का है या क्रॉनिक कंडीशन का है। मतलब ये कि तुरंत तुरंत का रोग है, जैसे सर्दी जुकाम बुखार या कोई चीज़ तुरंत हो गई, या कोई बीमारी ऐसी जो कि सालों से चली आ रही है, महीनों से चली आ रही है, तो दोनों में कंडीशंस अलग हो जाती है दोस्तों। जब भी कोई एक्यूट कंडीशन होती है, मतलब तुरंत की बीमारी होती है, वहाँ पर अगर हमको दवा लेने की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पर हम रिपीट कर सकते हैं। मतलब अगर 30 पोटेंसी है तो दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार अकॉर्डिंग टू कंडीशन कैसी है वहाँ पर उसको हम रिपीट कर सकते हैं। जैसे बुखार है, सर्दी जुकाम है, इस टाइप की चीज़ें हैं अगर एक्यूट केस में है तो वहाँ पे हम रिपीटेशन कर सकते हैं, और जैसे पेशेंट को आराम मिलना शुरू हो जाए तो रिपीटेशन को कम कर देते हैं, कभी कभी दवा भी बंद कर देते हैं, उसको आगे फॉलो करने देते हैं। और दोस्तों कभी कंडीशन अगर ऐसी होती है कि अगर कोई बीमारी पुराने समय से चली आ रही है तो वहाँ पर रिपीटेशन का एक लेवल होता है, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा रिपीट नहीं की जाती है। पहली बात तो ऐसी कंडीशन में अगर हम 200 या उसके ऊपर की पोटेंसी दे रहे हैं तो वहाँ पे कोशिश करेंगे कम से कम रिपीटेशन हो। जैसे अगर 30 पोटेंसी में है तो 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। कुछ दवाएं हैं जो कि नहीं दे सकते हैं, जैसे ड्रोसेरा है, तो ड्रोसेरा का कहा जाता है, साफ साफ लिखा हुआ एलएन की नोट्स में, कि इसको रिपीट नहीं करना चाहिए, रिपीटेशन नहीं करना चाहिए इसको। तो 30 या 200 जो भी पोटेंसी उसकी देते हैं उसको सिंगल डोज, एक या दो दो तीन तो देने के बाद फिर उसको स्टॉप कर देते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं कि क्या सिम्टम्स आते हैं उधर से। तो ऐसी कंडीशन होती है दोस्तों, इवन अगर हमारी पुरानी बीमारी है वहाँ पे हमको 30 पोटेंसी किसी अदर मेडिसिन की देने की आवश्यकता है तो वहाँ पे हम उसको रिपीट कर सकते हैं सुबह दोपहर शाम में, तब तक जब तक कि सिम्टम्स हमको दिखने न लगे, मतलब हमको रिलीफ होना शुरू हो जाए। जब एक बार रिलीफ होना शुरू हो जाए तो हमको क्या करना चाहिए, या तो दवा को रोक देना चाहिए, ये डिसाइड करता है डॉक्टर जिनको आप दिखाते हैं, या फिर उसकी मात्रा को कम कर देना चाहिए। रिपीटेशन जो हो रहा है जैसे सुबह दोपहर शाम ले रहे हैं तो उसको सुबह शाम कर सकते हैं, दिन में एक बार कर सकते हैं, या और कम कर सकते हैं दोस्तों, अल्टरनेटिव कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कौन सी बीमारी है और क्या पोटेंसी आप दे रहे हैं, 30 है या 200 है या 1 mm है। तो जैसे 30 को रिपीटेशन कर सकते हैं, अगर 200 पोटेंसी में दे रहे हैं आप, तो चूँकि आजकल के समय में 30 पोटेंसी कभी कभी उतनी यूज़फुल नहीं हो पाती है तो वहाँ पे 200 देने की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि आजकल का जो खान पान है ये सारी चीज़ें पहले के हिसाब से बहुत चेंज हो गया है। पहले 30 पोटेंसी में ही सारे सिम्टम्स के रिजल्ट्स अच्छे से आ जाते थे, जबकि आज की कंडीशन में 200 पोटेंसी देने की आवश्यकता पड़ जाती है दोस्तों, तो कभी कभी इसको रिपीट करने की भी आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन हर दवाओं को नहीं करना चाहिए, यहाँ पर हमको ध्यान ये देना चाहिए कि वेजिटेबल ग्रुप की मेडिसिन है या जो मेडिसिन हम दे रहे हैं वो मिनरल ग्रुप की है या नोसोड ग्रुप की है। तो वेजिटेबल ग्रुप की है दोस्तों तो वो थोड़ा आसान होती है, ज़्यादा उसके बैड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं शरीर के ऊपर में, तो उसको आप रिपीट कर सकते हैं। अगर मिनरल ग्रुप की है तो कोशिश करें कम से कम रिपीट करने की, और नोसोड ग्रुप की है दोस्तों तो उसको और भी कम रिपीट करने की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर, इसका ध्यान देना आपने। हाई पोटेंसी में है जैसे 1 mm या उसके ऊपर, तो उसको कम से कम 15 दिन में एक बार
या महीने में एक बार दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन कुछ डिफरेंट टाइप की है, कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे उसको वीकली भी दिया जाता है दोस्तों, तो ये डिपेंड करता है आपके डॉक्टर के द्वारा कि वो उसको किस तरीके से देना प्रेफर कर रहा है। इसके अलावा जो दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने जब भी ध्यान देना है ये कि आप अगर कोई दवा पुराने समय से आपकी बीमारी चली आ रही है वहाँ के लिए आप दे रहे हैं, तो पुराने समय से चली आ रही बीमारी के लिए आपने दवा का एक बार देने के बाद उसको वेट एंड वॉच भी करना चाहिए कि आपने उसका क्या सिम्टम्स आया हुआ, तो इसका ध्यान देना चाहिए दोस्तों। तो ये बात हो गई पोटेंसी के बारे में। अब हम बात करते हैं कि अगर हम 3x या बायोकेमिक फॉर्म में दवा लेते हैं तो वहाँ पे क्या डोज रहता है। बायोकेमिक में जब हम दवा लेते हैं दोस्तों, तो बायोकेमिक की जो दवा होती है उसको आप 4 गोली 5 गोली 6 गोली डिपेंड करता है कैसी कंडीशन है, दिन में 3 बार लेते हैं उसको, सुबह दोपहर शाम में, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है, उसको आप खाना खाने के आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद कभी भी ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं जो तीसरी हमारी जो सबसे यूनिक चीज़ है वो है कि मदर टिंचर फॉर्म में। तो मदर टिंचर फॉर्म में अगर कोई चीज़ हम ले रहे हैं तो उसका रिपीटेशन कैसे होगा। मदर टिंचर फॉर्म में अगर हम ले रहे हैं तो मदर टिंचर में आप 5 बूंद 10 बूंद 15 बूंद 20 बूंद आधे कप पानी में ले करके उसको आप दिन में 3 बार 2 बार सुबह दोपहर शाम दिन में 4 बार उसको खाना खाने के थोड़ा देर पहले या खाना खाने के जस्ट बाद उसको आप ले सकते हैं। चूँकि ये मदर टिंचर फॉर्म में होती है तो जस्ट लाइक ये वैसी ही होती है जैसे हम कोई काढ़ा बना के पीते हैं, तो वैसा ही होता है। तो इसके अंदर टेस्ट भी होता है, इसके अंदर आपको स्मेल भी आएगी जो मेडिसिन होती हैं उनकी, और जो उसका है टेस्ट वो टेस्ट भी आपको महसूस होगा इसमें। तो ये कोशिश करना चाहिए कि इसको खाना खाने के जस्ट पहले या जस्ट बाद ले सकते हैं, ताकि खाने के अंदर ही मिक्स हो जाए। खाने के अंदर मिक्स होने के बाद में इसका अच्छे से यूज हो जाता है बॉडी के ऊपर दोस्तों। तो ये हो गया मदर टिंचर के फॉर्म में। इसको जब भी लिया जाता है तो ज़्यादातर कंडीशन में 10 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में लेकर के इसको लिया जाता है। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान देना हमको है कि जब भी हम पोटेंसी की फॉर्म में लेते हैं तो उसको पिल्स के रूप में 30 नंबर 40 नंबर 20 नंबर गोली के रूप में इसको बना करके लिया जाता है, ये सही तरीका होता है दोस्तों। कभी कभी कुछ लोग उसको डायरेक्ट टंग पे लेने की भी बात करते हैं, तो इस चीज़ को मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि जो तरीका है वो है पिल्स के रूप में लेने का, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है, ठीक है। बाकी सबकी अपनी अपनी अलग इच्छा है, ठीक है। और तो दोस्तों ये बेसिक चीज़ें हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ रही हूँ, क्योंकि बड़े सारे क्वेश्चन आए थे मेरे पास में कि डॉक्टर साहब अब मान लीजिए पल्सर लेता 30 है तो उसको कितनी बार लेना है। तो अब 30 है तो आराम से उसको सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, ठीक है। वेजिटेबल ग्रुप की है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलेंगे आपको, आसानी से आप उसको ले सकते हैं। और होम्योपैथिक दवाओं के वैसे भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। हाँ ये होता है कि अगर कोई दवा एक नॉर्मल इंसान के ऊपर लगातार यूज़ की जा रही है तो उसके प्रूविंग होनी शुरू हो जाती है, ये एक खास बात होती है होम्योपैथिक दवाओं के साथ में। तो दोस्तों ये बातें मैं समझता हूँ कि समझ में आ गई होंगी आपको सारी की सारी। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान देते हैं दोस्तों, तो आपको कभी भी भविष्य में कोई भी दिक्कत नहीं आने की दवाओं से संबंधित कि किस दवा को कब लेना है। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये बातें समझ में आई होगी और आगे भी आपको ये काम आएंगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने शेयर भी करिएगा, ताकि और भी आपके दोस्त मित्र इससे फ़ायदा ले सके दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।